स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, यस और नो? यस सर। ओके देन, गुड। तो चलो, आज हम सीखने वाले ड्रो इट्स लेस देन टाइप ओजाइव एंड फाइंड इट्स मीडियन। चलो, लेस देन टाइप ओजाइव यानी क्या होता है? तो ओजाइव यानी कि ग्राफ। हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसका हमें लेस देन टाइप का ग्राफ बनाना है। तो लेस देन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लेस देन टाइप का ओजाइव यानी कि जो कर्व होगा उसको हम बोलेंगे ओजाइव। ओके, जो कर्व बनेगा हमारा लेस देन फ्रीक्वेंसी लेके, लेस देन इंटरवल लेके, तो उसको बोलेंगे हम ओजाइव। तो चलो, ओजाइव कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हमें पहले जो इंटरवल दिया है यानी कि क्लास इंटरवल जो 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 ये जो दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन टाइप में। तो लेस देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। चलो टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है, उसमें मुझे टू कॉलम्स लिए हैं मैंने। तो उसमें लिखना क्या है? तो जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर हम मीन फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए और मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते थे? इंटरवल लिखते थे, वो हमने अगले वीडियो में सीख लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? तो यहाँ पर जो इंटरवल दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में। तो लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो इंटरवल दिया है यानी कि मार्क्स, सपोज मुझे यहाँ पर दिया है मार्क्स, ये हमारे क्या है? मार्क्स। ओके, तो मार्क्स को लेस देन में करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट इंटरवल लेता हूँ 40 टू 45, यानी इसको मैं रीड कैसे करूँगा, पढ़ता हूँ कैसे? तो 40 और 55 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 4, यानी कि 40 से ज़्यादा वाले और 45 से कम वाले। तो 40 से मोर देन और 45 से लेस देन। तो लेस देन किस में आया? 45 में। इसको भी ऐसे ही रीड करूंगा मैं कि 45 से मोर देन और 50 से लेस देन वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? कम मार्क्स वाले 6 है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 50 से मोर मार्क्स वाले और 55 से लेस वाले। तो जो लेस वाला है वो हमारा कौन सी है? जो अपर लिमिट है उसमें हम लेस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, अगेन क्या किया मैंने कि 40 से मोर देन और 45 से लेस, ऐसे रीड करेंगे इसको। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे कि लेस देन वाला हमें ग्राफ बनाना है, तो पहले लेस देन वाली जो इंटरवल है वो हम लिखेंगे यानी कि लेस देन 45। उसके बाद सेकेंड में आएगा लेस देन 50, जो अपर लिमिट है सभी में वो हमें लेस देन करके लिख देनी है, लेस देन 55। उसके बाद क्या आएगा? लेस देन 60। उसके बाद लेस देन 65 और लास्ट में आएगा लेस देन 70। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें बनाना है सी एफ यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बनाने के लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे? देखिए, हमें लेस देन चाहिए तो लेस देन 45 यानी कि 45 से कम, तो 45 से कम हो वैसे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद लेस देन 50 से कम हो, तो दोनों बॉक्सिस आ जाएंगे यानी दोनों का प्लस कर देंगे, 4 + 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद लेस देन 55 यानी कि 55 से लेस, 55 से कम हो वैसी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है ना, 4 + 6 + 16, तो इन दोनों का प्लस तो हमने कर दिया था 10, तो उसमें सिर्फ क्या प्लस करने का है? 16। तो 10 + 16 करेंगे तो आंसर मिलेगा 26। उसके बाद लेस देन 60, तो 60 से लेस इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो ये चारों के चारों का प्लस करना है, इन तीनों का प्लस तो मैंने कर ही दिया है 26, उसमें सिर्फ 20 प्लस करना है, तो 26 + 20 यानी आंसर हो जाएगा 46। उसके बाद लेस देन 65 से लेस, तो 65 से लेस मार्क्स आए हो वैसे स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो यहाँ से 30 से 20, 16, 6 और 4 सभी 65 से लेस है, तो सभी का प्लस करेंगे तो यहाँ तक का प्लस तो मेरे पास है 46, उसमें मैं 30 प्लस कर दूंगा, 46 + 30 यानी 76। अब लास्ट रो बाकी रह गई हमारी लेस देन 70, 70 से लेस मार्क्स आए हो वैसे स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो सभी को प्लस कर देना है, तो यहाँ तक तो मेरे पास प्लस था ही 76, उसमें मैं 24 प्लस करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर मेरा टेबल
कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो मार्क्स है यानी कि जो यहाँ पर इंटरवल होगा लेस देन वाला, वो हमारा आएगा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ पे। और जो सी एफ है, यहाँ पर सी एफ की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए होंगे, कुछ भी दिया होगा, तो वो हमें कहाँ पे लेना है, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस पे लेना है। तो चलो पहले हम ग्राफ के लिए जो लाइन्स है वो बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर कौन सी एक्सिस होगी, एक्स और एक्स डैश। उसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे क्या होगा, वाई और वाई डैश। और यहाँ पर जहाँ दोनों एक्सिस मीट हो रही है वहाँ पर ओरिजिन होगा जीरो। तो चलो हमें एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, तो लेस देन वाला जो दिया है 45, 50, 55, 60, उसको हमें लेना है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर मैं कितने कितने का डिस्टेंस लूँगा, आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ में बॉक्सेस दिए होंगे, और बॉक्सेस में वन बॉक्सेस होगा उसमें 10 स्मॉल स्मॉल लाइंस होगी यानी बॉक्सेस होंगे, तो आपका ग्राफ परफेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पर अप्रोक्स ग्राफ बनाया है, आपका ग्राफ ग्राफ पेज में आप करेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। तो चलो यहाँ पर मैं अप्रोक्स वन बॉक्स, टू, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने ऐसे अप्रोक्स बॉक्सेस बना दिए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना होगा, तो यहाँ पर मुझे लेना है मार्क्सिस यानी कि जो क्लास इंटरवल था वो 45, 50, 55। तो यहाँ पर 5, 5 का गैप है, तो यहाँ पर भी मैं 5, 5 के गैप पे जो सारे डिजिट है वो लिख दूंगा। तो मैं सपोज 40 से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ नीचे क्या लिखूंगा मैं 40। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद आएगा 60, 65 और 70। मुझे मैक्स 70 तक जाना है तो मैंने 70 ले लिया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डायरेक्ट 40 से स्टार्ट किया, आगे की जो डिजिट थे जीरो के बाद मैंने 5, 5 का इंटरवल लिया है, तो यहाँ पे आना चाहिए 5, 10, 15, 20, वो सब मैंने यहाँ पर कंप्रेस कर दिए। तो कंप्रेस के लिए मुझे यहाँ पर क्या बनाना होगा, किंक कर देना होगा। किंक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है बॉक्स, यहाँ पर मैं ऐसे क्या कर दूंगा, किंक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ किंक का मतलब क्या है कि जो बाकी जो डिजिट थे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, वो सभी यहाँ पर कंप्रेस हो गए यानी कि किंक में आ गए हैं। तो इस तरह से मुझे डायरेक्ट 40 से स्टार्ट करना हो तो बाकी के डिजिट को मुझे किंक करना पड़ेगा। उसके बाद जो सी एफ है, सी एफ 4, 10, 26 ऐसी है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से डिजिट यहाँ पर लेने होंगे, तो यहाँ पर मैं 10, 10 का गैप ले रहा हूँ, तो जीरो के बाद ले रहा हूँ 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद 100। मुझे मैक्स 100 तक जाना है, तो यहाँ पर मैंने दोनों एक्सिस पे डिजिट ले लिए हैं। यहाँ पर किंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जीरो के बाद डायरेक्ट 10 ही लिया है, सभी बॉक्सेस में 10, 10 का इंटरवल लिया है, तो यहाँ पे किंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या कर देना है, स्केल लिख देनी है। स्केल यहाँ पर लिखेगी राइट साइड। चलो हमने स्केल कौन कौन सी ली है, तो एक्स एक्सिस में ली है और वाई एक्सिस में ली है। यहाँ पर जो मेरा वन बॉक्सिस है वो 1 सेंटीमीटर का होगा, तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे पहले। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर या तो 1 यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दोनों एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो चलो एक्स एक्सिस में मैंने कितने कितने का गैप लिया है, 5, 5 का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। क्या है, मार्क्स है तो मार्क्स, यहाँ पे कोई भी डेटा दिया होगा आपको, मैंने यहाँ पर मार्क्स लिया है तो मैंने मार्क्स ले लिया। और वाई एक्सिस पे मैंने 10, 10 का गैप लिया है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, अगर स्टूडेंट होते तो मैं लिख देता यहाँ पर स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा स्केल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पॉइंट बनाने हैं, ग्राफ जो टेबल देख के पॉइंट, तो 45 लेस देन 45, तब हमें 4 तक जाना है। तो चलो हम क्या बनाते हैं, पहले पॉइंट बना देते हैं लाइटली,
तो 45 यहाँ पर है, तो 45 यहाँ देखना है, और 4 यानी कि 0 और 10 के बीच में कहीं पर 4 होगा। मैं अप्रोक्स बना रहा हूँ, आपका ग्राफ पेज में परफेक्ट आएगा, आपको परफेक्ट बनाना है। तो चलो बीच में 5 होगा, 5 से थोड़ा नीचे यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4, ओके। चलो उसके बाद 50, तो उसके साथ 10, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। 45 से स्टार्ट करना है ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 45 यहाँ पर आएगा। चलो 45, तो उसके बाद 50 है, तो 50 के साथ 10, तो 50 के साथ 10 पे जाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 10। उसके बाद 55 से 26, तो 55 एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पे हमें क्या देखना है, 26, तो 26 यानी कि 20 और 30 के बीच में 25 होगा, उससे थोड़ा ऊपर ले लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 55 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है 60, तो 60 एक्स एक्सिस में देखना है और वाई एक्सिस में देखना है 46, तो चलो यहाँ पर 60 के साथ 46 यानी कि 40 और 50 के बीच में से हमें यहाँ तक आना है, तो यहाँ अप्रोक्स हो जाएगा मेरा। उसके बाद 65 और वाई एक्सिस में देखना है 76, तो चलो 65 यहाँ से आ जाएगा और 76 यानी कि 70 और 80 के बीच में 75 और अप्रोक्स ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से 65 आएगा। और लास्ट है 70 200, तो जो 17 वाला एक्स एक्सिस में है उसको हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा 70 और वाई एक्सिस में आएगा 100, तो उसको हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे 100 के साथ, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स मिले हैं उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमारा ओ जाइव कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से ज्वाइंट करते हैं, इसको हमें ऐसे ही ज्वाइंट करना है, स्केल्स का यूज करके ज्वाइंट नहीं करना है। तो चलो यहाँ पर हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, हमारे जो पॉइंट है उसको मैं डार्क कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया लेस देन टाइप का ओजाइव। ओजाइव यानी कर्व, तो ये कर्व जो है वो हमारा कैसा होगा, यानी कि लेस देन टाइप का होगा, तो नीचे से ऊपर तक जाएगा ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, अब हमें दूसरा फाइंड करना है मीडियन, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन के लिए हमें जो हमने अगले सम में देखा था कि मीडियन हम फॉर्मूला पुट करके भी फाइंड कर सकते, तो यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करनी है, सिर्फ करना है n/2। तो n/2 यानी क्या, तो n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दी है उसका प्लस करना, तो लास्ट वाली कौन सी हो गई है 100, तो 100/2 यानी आंसर हो जाएगा 50। तो चलो अब हमें क्या करना है, 50 को कहाँ पर लेके जाना है, y एक्सिस पे, यानी कि CF जो है वहाँ पे लेके जाना है, तो चलो वहाँ पे लेके जाते हैं CF को, तो यहाँ पर है 50, ये 50 है, तो 50 को मैं लाइन एक्सटेंड करूँगा और कहाँ पे लेके जाऊँगा, जहाँ पर हमारा कर्व है, तो कर्व को कहाँ पे मीट होती है वो हमें देखना है, तो चलो कर्व की ओर लेके जाते हैं और कहाँ पर मीट होती है वो देखते हैं। तो जहां पर मीट होती है वहां से हमें नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, दिखता है यहां पे, मैं थोड़ी डार्क कर देता हूं, तो देखिए मैंने यहां पर 50 से लाइन एक्सटेंड की है और मेरे कर्व को जहां पर टच होती है वहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जहां पर टच होती है वहां पे हमारा हो जाएगा मीडियन। तो देखो यहां पर अप्रोक्स 55 और 60 के बीच में, तो 55 और 60 के बीच में टच होती है यहाँ पर, तो मैं अप्रोक्स ले लूँगा यहाँ पर 58 समथिंग, यानी कि मेरा मीडियन हो जाएगा 58.5। ये मैंने अप्रोक्स लिया है, आप ग्राफ बुक में करेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर मिलेगा, मैंने अप्रोक्स लिया है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लेस देन टाइप हो जाए उसे मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अगेन मैंने क्या किया पहले, तो पहले मुझे लेस देन टाइप का ग्राफ बनाना था, तो पहले मैंने लेस फ्रीक्वेंसी ली, तो ये 40 टू 45 का इंटरवल है, उसको हम रीड कैसे करते हैं, 40 से मोर और 45 से लेस देन। तो लेस देन कहाँ पे आया, 45 पे, 45 यानी अपर लिमिट पे, सभी जगह पे लेस आएगा, तो हम अपर लिमिट के साथ लेस देन लगा देंगे, लेस देन 45, लेस देन 50, लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65 और लेस देन 70। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, तो 45 से लेस तो वैसी फ्रीक्वेंसी 4 है,
उसके बाद 50 से लेस वाली तो दोनों बॉक्सेस हो जाएंगे, तो दोनों का प्लस कर देंगे। ऐसे ही 55 के लेस देन वाली तो तीनों का प्लस करके लिखेंगे, 60 से लेस देन वाली तो चारों का प्लस करके लिखेंगे, 65 से लेस देन तो इन सभी का प्लस करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो मार्क्स है लेस देन उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्सिस है तो यहां पर मैं लिख दूंगा मार्क्स। उसके बाद जो वाई एक्सिस पर उस वहां पे मैंने सी एफ लिया है तो वहां पे मैं सी एफ लिख दूंगा, या तो स्टूडेंट्स दिया हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इंटरवल ले लिया कि वन बॉक्सिस इज इक्वल टू 5 मार्क्सिस, और वाई एक्सिस पे ले लिया वन बॉक्सिस इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट या तो 10 सी एफ। उसके बाद क्या किया, तो हर एक पॉइंट 45 को 4 के साथ ज्वाइंट कर दिया, 50 को 10 के साथ, ऐसे मैंने ग्राफ जनरेट कर दिया। उसके बाद मुझे फाइंड करना था मीडियन, तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने n बाई 2 किया, 50 आए तो 50 को मैंने कहाँ पर ले लिया, वाई एक्सिस पर, जहाँ पे 50 था वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक की, जहाँ तक मेरे कर्व को टच कर जाए। उसके बाद वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दी, तो एक्स एक्सिस पर टच होती है वहाँ पर हो जाएगा हमारा मीडियन। तो इस तरह से मैंने लेस देन टाइप का ओझा है वो कंप्लीट कर दिया है। तभी तक बाय बाय, टेक केयर।